हेलो दोस्तों, आज हम फिर से बात करने वाले हैं टिकटॉक की न्यू ट्रेंड वीडियो के लेकर। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, टिकटॉक इस टाइप की वीडियो आप देख सकते हैं, काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है ये वीडियो। जो हमारा ये वीडियो जो टिकटॉक पर मैंने अपलोड किया था, इस पर आपको 1 लाख प्लस व्यूज आ चुका है, जिसमें बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं तो भाई इसका ट्यूटोरियल बताओ। तो आज हम इसी वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। तो सबसे पहले वीडियो को डिस्क्रिप्शन से आपको काइन मास्टर अप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। आगे बढ़ने से पहले जरा भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। और चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आपको सबसे पहले इस टाइप का आपको वीडियो बनाना है, आपको यहाँ पे दो बातों को ध्यान रखना है। जब भी आप वीडियो शूट करेंगे तो आप कैमरा को ट्राईपॉड में लगा देना है, क्योंकि तो यहाँ पर अगर लगाते हैं कैमरा को ट्राईपॉड में तो यहाँ पर आपको जो वीडियो जो है हिलेगा नहीं, तो वीडियो जो आपको प्रॉपर शूट होगा। और जब भी वीडियो शूट करेंगे तो आपको 50% पार्ट जो है आपको खाली रहना चाहिए, और वीडियो जो है आपको दो पार्ट में शूट करना है। तो वीडियो जो मैंने कैसे शूट किया था वो मैं वीडियो आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। तो चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पर। तो सबसे पहले वीडियो को डिस्क्रिप्शन से काइन मास्टर अप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस का आइकन पर क्लिक करना है। प्लस का आइकन पर क्लिक करने के बाद 16:9 रेशियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाता है। इसके बाद मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद जो हमने नॉर्मल मोबाइल फ़ोन से वीडियो शूट किए थे वो वीडियो को यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने वीडियो को सेलेक्ट कर लिया। हम वीडियो को सेलेक्ट करने के बाद आपको वीडियो को आगे की तरफ लेकर आना। जो हमारा स्टार्टिंग का कुछ पार्ट एक्स्ट्रा है तो सबसे पहले इसे हमें रिमूव करना होगा। वीडियो के लेयर पर क्लिक करना है, कैंची के निशान पर क्लिक करना है, और यहाँ पर हमें ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है। तो यहाँ पर हमारा लेफ्ट साइड का पार्ट जो भी एक्स्ट्रा था वो रिमूव हो चुका है। वीडियो के आगे की तरफ लेकर आना है, और यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो हमारा ख़त्म हो रहा है। वीडियो पे क्लिक करना है, कैंची के निशान पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे ट्रिम टू राइट कर देना है। लेकिन हमें दोस्तों आगे भी वीडियो है तो यहाँ पे हमें सबसे पहले स्प्लिट टू प्ले हिट कर देना है, क्योंकि दोस्तों वीडियो जो हमें एक साथ ही शूट कर लिया हूँ। तो हमारा फर्स्ट वाली वीडियो इस तरह से कुछ शूट करना है, और इसके बाद सेकेंड वाली वीडियो जब शूट करेंगे तो आपको ध्यान रखना है आपको इस साइड चले आना है। हम फर्स्ट में इस साइड थे, सेकेंड में आपको इस साइड चले आना है। पहले इसके वीडियो के लेयर पे क्लिक करना है, कैंची के निशान पे क्लिक करना है, ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है। यहाँ पे हमारा लेफ्ट साइड का पार्ट जो भी था एक्स्ट्रा वो रिमूव हो चुका है। इसके बाद वीडियो को आगे की तरफ लेकर आना है। फिर से हमें यहाँ पे इस वीडियो के लेयर पे क्लिक करना है, कैंची के निशान पे क्लिक करना है, और यहाँ पे हमें ट्रिम टू राइट कर देना है। तो वीडियो जो हमारा दो पार्ट में शूट किया गया था, आप देख सकते हैं किस तरह से वीडियो को शूट किया गया। मैं एक बार आपको प्ले कर दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट वाले कुछ इस टाइप का शूट किया गया है, सेकंड वीडियो जो इस टाइप का शूट किया गया। जब भी आप वीडियो शूट करेंगे तो आपको एक बात को ध्यान रखना है, 50% पार्ट जो है आपको खाली रहना चाहिए वीडियो में। इसके बाद सिंपल आपको करना क्या है, सेकंड वाले वीडियो को आप देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर एक फ़ोटो आपको कैप्चर कर लेना है। सिंपल से तो यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। ये फ़ोटो जो हमारा गैलरी में सेव हो चुका है, तो इस फोटो का आपको करना क्या है, आपको PNG में कन्वर्ट करना है। तो PNG में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो वीडियो को मैं लास्ट में बताऊंगा। वीडियो पे क्लिक करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है डुप्लीकेट यस लेयर। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंड लेयर में वीडियो हमारा आ चुका है। इसके बाद वीडियो को आगे की तरफ लेकर आना है। यहाँ पे हमें फ़ोटो लगाना है तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर रखना है, लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है। तो मैंने ऑलरेडी फ़ोटो को मैंने PNG में कन्वर्ट कर चुका हूँ। तो फ़ोटो को हमें यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे हमें एक क्रॉप का ऑप्शन मिल जाता है, क्रॉप को इनेबल कर देना है, और इसके बाद इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है, और सिंपल से फ़ोटो को हमें क्रॉप कर लेना है इस तरह से। इसके बाद थोड़ा डन करना है, इसके बाद इसे थोड़ा जूम हल्का कर लेना है, और आपको सही तरह से इसे एडजस्ट कर लेना है। वीडियो को आगे की तरफ करेंगे, और यहाँ पर आपको फिर से लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है, फिर से सेम वही फ़ोटो हमें यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर हमें क्रॉप कर लेना है। तो यहाँ पे हमें क्रॉप जो करना है, थोड़ा फ़ोटो जो है थोड़ा हल्का बड़ा करना है, इसके बाद डन कर देना। इसके बाद फिर से हमें इसे जूम कर सही तरह से एडजस्ट आपको कर देना। इसके बाद इस वीडियो पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक कर देना है, और यहाँ सबसे पहले हमें इसे हमें फुल साइज कर लेना है, और यहाँ पर हमें हाफ कर देना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हम यहाँ से चलने के स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको इस वाले आप वीडियो पर क्लिक करना है, और इसे हमें यहाँ तक लेकर आ जाना है, ठीक है। और इस पर आपको ध्यान रखना है, जब यहाँ से वीडियो हमारा स्टार्ट हो रहा है इससे 0.1 सेकेंड पहले आना है, यहाँ पे लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है, और इसके बाद जो हमने PNG पे फोटो डाउनलोड किया था
उस फोटो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इसे आप आगे की तरफ लेके जाना है और आपको सही तरह से इसे एडजस्ट आपको कर देना है, क्योंकि तो आपको लगना नहीं चाहिए कि आपको फ़ोटो को एडिट किया गया है। इस तरह से आपको एडजस्ट कर देना है और इसे आपको बिल्कुल छोटा कर देना है, क्योंकि तो लगना चाहिए कि आपको फ़ोटो में से आप निकल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो लगभग हमारा तैयार हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे हमें चाहिए बैकग्राउंड में म्यूजिक, तो आपको लेयर पे आना है। लेयर पे आने के बाद मीडिया पे आ जाना है। इस वीडियो का भी लिंक मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ऑलरेडी क्लिक करने के बाद कैंची के निशान पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको एक्सट्रैक्ट आइडियो कर देना है। तो इसमें क्या होगा, वीडियो में जितने भी आइडियो होंगे वो आपको बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आ भी गया हुआ है। इस पर क्लिक करके रखना है और इसे लास्ट तक लेकर आ जाना है। ठीक है, इसके बाद लास्ट वाले वीडियो का हमारा काम हो चुका है। तो वीडियो पर क्लिक करना है, इसके बाद यहाँ पर आपको डिलीट कर देना है। इसके बाद जो हमारा पहले वीडियो का लास्ट का एक्स्ट्रा पार्ट है, वीडियो पे क्लिक करना है, कैंची के निशान पे क्लिक करना है, ट्रिम टू राइट कर देना है। तो यहाँ पे लास्ट का भी जितने भी एक्स्ट्रा पार्ट था वो रिमूव हो चुका है। इसका इस वीडियो को सबसे पहले हम डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो भी हमारा सही तरह से एडजस्ट हो चुका है, देख सकते हैं आइडियो भी ऐड हो चुका है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से डन कर देना है। डन करने पर वीडियो पर क्लिक करना है, कैंचियर पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर HD 720p या 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को कर देना है आपको एक्सपोर्ट, और हमारा वीडियो जो है पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सलेन चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को चैनल पे अपडेट होता रहता है। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।